हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है सर गामा और मैं हूं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिक बिजनेस कोच एंड अ म्यूजिकल आर्टिस्ट। मैंने कुछ ही दिन पहले एक पोल डाला था, उसके अंदर मैंने पूछा था कि मैं अपनी वीडियो का कंटेंट कौन सी लैंग्वेज में कंटिन्यू करूं। तो मेजॉरिटी ऑडियंस का पोल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो आया था कि बोथ इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। तो अब मैंने स्टार्ट किया है डबल टाइम काम करना। हर वीडियो को मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में शूट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं निकाल रहा हूँ आपके कंफर्टेबल लैंग्वेज में वीडियोस, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर वो हिंदी हो। क्योंकि इससे पहले मेरे जितनी भी वीडियोस निकाली हैं, आप देख सकते हैं चैनल पर जाके, वो सब इंग्लिश में है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो म्यूजिक बिजनेस की नॉलेज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली इंडिया में मैंने आज तक एक भी चैनल नहीं देखा जो इस चीज़ को एम्फेसिस दे के ये चीज़ फॉर फ्री ऑन YouTube सिखा रहा हो, जैसे म्यूजिक प्रोडक्शन सिखाते हैं सब लोग। बट म्यूजिक बिजनेस आई डोंट थिंक कोई सिखा रहा है, और मैंने वो इनिशिएटिव लिया सबको सिखाने के लिए, और उसके लिए मैंने एक म्यूजिक बिजनेस वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है YouTube पे, जिसका नाम है ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और अब ये वीडियो सीरीज इंग्लिश में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसके अंदर मैं वीडियोस अभी भी अपडेट कर रहा हूँ साथ साथ, और नई वीडियोस उसके अंदर ऐड होती जा रही हैं। बट अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, तो सेम वीडियो मैंने रिलीज करना स्टार्ट करी है हिंदी के अंदर, जिसकी पहली वीडियो बहुत ही जल्द इस वीक चैनल पर अपलोड हो जाएगी, और वो प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएगी ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इन हिंदी। तो अगर आप म्यूजिक बिजनेस के बारे में सारी नॉलेज लेना चाहते हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं या फिर आप किसी भी तरीके से म्यूजिक से रिलेटेड हैं, या तो म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, रैपर, आर्टिस्ट, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग इंजीनियर, साउंड इंजीनियर, बीट प्रोड्यूसर, अगर आप हिप हॉप की बीट्स भी बनाते हैं या आप रैपर हैं, तो मैं हाईली प्रेफर करूंगा कि आप ये पूरी यूट्यूब वीडियो सीरीज को जरूर देखें, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि आपको अपना म्यूजिकल ब्रांड कैसे इस्टैब्लिश करना है करेक्ट वे में, ताकि एक बारी अच्छे से इस्टैब्लिशमेंट होने के बाद अपनी आप क्रिएटिविटी पे ध्यान दे सकें, और उसके बाद आप जो भी गाना मेहनत कर बना रहे हैं, उसको रिलीज कर रहे हैं, वो गाना जितनी भी रॉयल्टीज कमा रहा है, वो सारी रॉयल्टीज आप क्लेम कर सकें, क्योंकि आप उसके ओनर हैं। अगर आपने गाना रिलीज किया है और आप अपने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर से, मान लीजिए आपने डिस्ट्रोकिड या ट्यून कोर से गाना रिलीज कर दिया और वो आपको रॉयल्टीज कमा के दे रहे हैं, तो आपको लगता है मेरे गाने ने इतना पैसा कमाया है। बट वो सबसे बड़ा मिथ है, वो सबसे बड़ा झूठ है। आपके गाने ने सिर्फ उतना पैसा नहीं कमाया है, बहुत सारा और पैसा है जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आपके गाने से कलेक्ट कर रही हैं, पर वो आपको दे नहीं पा रही, क्योंकि आपको पता ही नहीं है एक्चुअल रॉयल्टीज क्लेम किन ऑर्गेनाइजेशन से जाके और कैसे करनी है, कैसे इस्टैब्लिश करना है खुद को एज अ ब्रांड, क्या क्या लीगैलिटीज हैं, वो सारे प्रोसेस के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस यूट्यूब वीडियो सीरीज में। ऑल्सो अगर आप म्यूजिक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो मैं एक पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग देता हूं सबको, और वो एजुकेशन है जो मैं सबको देता हूं एज अ ट्यूटर एंड एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो। म्यूजिक एंटरप्रेन्योर कोर्स जो अभी एक्चुअली मैं 28% डिस्काउंट पर मैं दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरा गोल है ज़्यादा से ज़्यादा म्यूजिक एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करना, और म्यूजिक एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ म्यूजिक बनाकर रिलीज करने से क्रिएट नहीं होते हैं। दो ऑप्शन है, या तो आप म्यूजिक रिलीज कीजिए, आपका म्यूजिक इतना बड़ा फेमस हो जाए कि आप कि आपको मैनेजमेंट एजेंसी आपकी एक हो जाए, आपके मैनेजर्स हो जाए, आप मैनेजमेंट एजेंसी हायर करें, या फिर वो आपको एज एन आर्टिस्ट लें और आपका सारा बिजनेस संभालें। पर जब तक वो चीज़ नहीं होती है, तो क्या आप अपने गानों से कमाया हुआ सारा पैसा क्लेम नहीं करना चाहते हैं, कि आप उसको उड़ा देना चाहते हैं, या आप वेट करेंगे कि अगर मैं 4 साल बाद बड़ा आर्टिस्ट बनूं, तो 4 साल तक मेरे गानों ने जितना पैसा कमाया है वो मुझे ना मिले, और वो 4 साल बाद आपको मिल भी नहीं पाएगा। वो एक टाइम लिमिट होती है जिसके अंदर वो आपको रॉयल्टीज क्लेम करनी होती है। तो मेरा गोल है ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करना। बहुत बहुत महंगे कोर्सेज हैं म्यूजिक प्रोडक्शन और ऑडियो इंजीनियरिंग के ऑलरेडी, बट मैंने उसी के अंदर बहुत ही नॉमिनल फीस में, मान लीजिए मैंने 0 रुपीज ऐड करके म्यूजिक बिजनेस को भी इंक्लूड किया है, और टोटल फीस सिर्फ बड़ी एजेंसीज और बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्सेज से भी कम कर दी है, और ये पूरा सर्टिफाइड कोर्स है। अगर आप इसे करते हैं, तो आपको हर एक चीज़ पर्सनलाइज नॉलेज की, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना ब्रांड को कैसे इस्टैब्लिश करें, अपने लेबल, अपने नाम को कैसे इस्टैब्लिश करें, कैसे कैसे सोसाइटीज़ में रजिस्टर करें, अपनी सारी रॉयल्टीज़ को क्लेम करें। और म्यूजिक बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ्री प्रमोशन, SEOs, बहुत सारी डिटेल्स हैं। आप पूरे कोर्स का करिकुलम जाकर देख सकते हैं, लिंक मेरी बायो में रहेगा, विजिट द लिंक और आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। पर अगर आप पर्सनलाइज कोर्स नहीं भी करना चाहते हैं, तो ये जो YouTube वीडियो सीरीज है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी। आप ये समझ लीजिए कि आपको 50% ऑफ रॉयल्टीज जो आपके म्यूजिक कमा रहा है, वो आपको नहीं पता है कहाँ से लेनी है और वो कैसे आएंगी। बेसिकली इस पे मेरा फोकस है YouTube वीडियो सीरीज में, कोर्स की बात अलग है, बट यहाँ पर ये मेरा मेन फोकस है। तो मैं चाहता हूँ कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें, और जैसे जैसे मैं डिटेल में चीज़ें बताता जाऊँगा तो प्लीज़ आप वीडियोस देखते जाएं और एजुकेट करें खुद को, और म्यूज़िक प्रोड्यूसर या म्यूज़िकल आर्टिस्ट से अपग्रेड करके खुद को एक म्यूज़िक एंटरप्रेन्योर बनाएं। और एक और चीज़, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो ऑलरेडी ये वीडियो सीरीज़ रिलीज्ड है जो अपडेट हो रही है, उसको आप मेरे कार्ड्स में से या फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उससे आप देख सकते हैं। पर हिंदी में ये बहुत ही जल्द, मैं इसी वीक पहली वीडियो अपलोड करने वाला हूं, और फिर वो सीरीज़ अपलोड होती रहेगी, तो आपके पास इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होगी। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन अनदर वीडियो।